भोजन से अपने हाथों से भोजन बनाया नरेंद्र को, और वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनके विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया और हिंदुत्व का परचम लहराया। तो आज मैं माँ शारदे को नमन करने के लिए आई हूँ, और जहाँ से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन के निकले उस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और मुझे लग रहा है उस समय कोई राजनीतिक सवाल करना उचित नहीं होगा। जिनको झूठ बोलने की आदत है वो बोलते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस सांसद, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लेकर, राम के लेकर बहुत राजनीति हो रहा है, आरएसएस कर रहे हैं। राजनीति तब हो रही थी जब राम के अस्तित्व को लोग नकार रहे थे, राजनीति तब हो रही थी जब राम सेतु को नकार रहे थे, राजनीति तब हो रही थी जब कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया, तारीख भी बता दी, तो भी परेशानी, उनकी परेशानी का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। और मंत्री स्वतंत्र चट्टोपाध्याय को स्वीकार भी कर दिया। अभी 24 तक आने दीजिए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। पीएम और सीएम मीटिंग के बाद, पीएम और सीएम मीटिंग के बाद मनरेगा लेकर क्या प्लानिंग हुआ है? देखिए, दो अधिकारी हमारे मंत्रालय के नियुक्त हुए हैं, और ममता बनर्जी जितनी जल्दी अपनी तरफ से अधिकारी नियुक्त हों कर देंगे, वो जांच होगी, और जांच में दूध का दूध पानी का पानी आएगा। क्योंकि हमारा पैसा रोकने का औचित्य नहीं है, यदि रोकना होता तो फिर हम प्रधानमंत्री सड़क योजना का ना देते, स्वयं सहायता समूह का पैसा ना देते, किसान सम्मान निधि का पैसा ना देते, इससे प्रदेश में मुफ्त में राशन दे रहे हैं वो ना देते। हमें जनता के प्रति कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन अब पीएम साहब के मिलने के बाद हमारे दो अधिकारी नियुक्त हुए हैं, इनकी तरफ से नियुक्त हुए हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो भी यहाँ की आवश्यकता है उसको भारत सरकार पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन कम से कम जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको तो प्रदेश सरकार स्वीकार करे, उनके ऊपर कार्रवाई तो करे। एक वीडियो मैसेज किया है, उन्होंने बोला है कि जो टीम है आपके मिलने का कोशिश किया है, लेकिन 5 बार आपका सिक्योरिटी उसको भेज दिया। मिलना ही नहीं था उनको, मैं 2.5 घंटा बैठी रही और मेरे को झूठ बोला कि पीछे से गेट के निकल गई। मैं 4 नंबर से ही जाती हूँ, 4 नंबर से आती हूँ, उस दिन भी 4 नंबर से ही निकली थी। लेकिन जिनको झूठ बोलने की आदत है तो उनके लिए मेरी सफाई, मेरे पास कोई नहीं है। मैम, राज्य पुलिस का सहायता लेकर मोबाइल में जो किसी को फोन टैप कर रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? ये उनका विषय, मैं नहीं कुछ बोल सकते। ठीक है, আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত, আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।